हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम परावर्तन और अपवर्तन के आखिरी टॉपिक के बारे में जानेंगे, जहां हम लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं। हमने दर्पण और लेंस के बारे में काफी कुछ जान लिया है, जैसे किस तरह दर्पण परावर्तन करते हैं और लेंस अपवर्तन। कुछ बातें दर्पण और लेंस में अलग हैं और कुछ समान। यदि आपको याद हो तो हमने एक दर्पण सूत्र पढ़ा था, जिस प्रकार दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है, उसी प्रकार लेंस सूत्र भी तीनों दूरियों के बीच संबंध बताता है। किसी भी लेंस के लिए लेंस सूत्र कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दर्पण सूत्र की ही तरह लेंस सूत्र भी पांच चिन्ह कन्वेंशन होते हैं। नंबर एक, लेंस के केस में सारी दूरियां ओ से ली जाती हैं, जो कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। नंबर दो, दर्पण सूत्र की ही तरह यहां भी वस्तु हमेशा ओ के बाई ओर ही रखी जाएगी। नंबर तीन, ओ से बाई ओर की दूरियां हमेशा नेगेटिव होंगी और दाई ओर की दूरियां पॉजिटिव। नंबर चार, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की ओर की नेगेटिव। नंबर पांच, उत्तल लेंस की फोकल दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है और अवतल लेंस की फोकल दूरी को नेगेटिव। दर्पण के केस में तो साफ था कि उत्तल दर्पण में फोकस दाएं ओर होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है, और अवतल दर्पण में बाएं ओर होता है, इसलिए नेगेटिव। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लेंस में तो दो फोकस बिंदु होते हैं, फिर चिन्ह कैसे दिया गया? बात आसान है, उत्तल लेंस अनंत से आ रहे प्रकाश को एक जगह अभिसारित या कन्वर्ज करता है और ये फोकस लेंस के दाईं ओर रहता है, इसलिए इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है और फोकल दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है। उसी के विपरीत अवतल लेंस प्रकाश को फोकस की दिशा से अपसरित या डाइवर्ज करता है, जो कि लेंस के बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल लेंस की फोकल दूरी को नेगेटिव लिया जाता है। तो लेंस सूत्र के साथ एक और गुण होता है, जिसे हम आवर्धन या मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। दर्पण की ही तरह यहाँ भी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जो कि ये बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। गणित का ये फॉर्मूला आवर्धन को दर्शाता है। साथ ही प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के तौर पर भी हम आवर्धन को दिखा सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई लेंस सूत्र की, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को देखने में दिक्कत होती है, कुछ लोग दूर का ठीक नहीं देख पाते तो कुछ लोग नजदीक का, फिर डॉक्टर ऐसे मरीजों को एक चश्मा बनाकर देते हैं। साथ ही हमने अपने उन दोस्तों से जो चश्मा लगाते हैं ये भी सुना होगा कि उनके चश्मे का पावर 2 है या फिर -1.5, कुछ इस तरह के पावर उनसे सुने होंगे। ये पावर क्या होती है और चश्मे किस प्रकार बनाए जाते हैं, कभी सोचा है? वीडियो के इस भाग में हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। पावर चश्मे में लगे लेंस की क्षमता होती है। लेंस की पावर या क्षमता प्रकाश को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की मात्रा को दर्शाता है। गणित में पावर फोकस दूरी का इनवर्स होता है। पावर की SI यूनिट डायोप्टर होती है, जिसे D से दर्शाते हैं। 1D 1M इनवर्स के बराबर होता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस की पावर भी पॉजिटिव रहती है। इसी के विपरीत अवतल लेंस की फोकल दूरी नेगेटिव होने के कारण उसकी पावर भी नेगेटिव रहती है, और यही कारण है कि चश्मे में लगाए गए लेंस की पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, जिन्हें हम दूसरे पाठ नेत्र दोष में विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा ये परावर्तन और अपवर्तन का पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे कभी नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, ये जो वीडियोस आपने देखी है ये अपने दोस्तों को भी दिखाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। टेक केयर।